दिव्या? नहीं, उनकी बेटी। सर्पिका। तो इस षड्यंत्र में तू भी अपने बाप के साथ मिली हुई है और मुझे मारने आई है? नहीं, मैं तुझे मारने नहीं, बचाने आई हूँ। अब तक तो मोहला खत्म हो चुकी होगी और उसके खत्म होते ही दिव्या पर जो उसने वार किया था उसका असर भी खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगता है डैड कि माँ इस हमले से बच पाई होगी? न रीवा वंशियों में तुम्हारी माँ जैसी कोई होता है और न सर्प वंशियों में। दिव्या को हराना इतना आसान नहीं है बेटा। ये लोग आ गए। निशान जी कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे आप? हम सब लोग परेशान हो गए थे। अरे नहीं नहीं, वो जल्दबाजी में शगुन की थाली घर पर भूल गए थे। अब इसके बिना फेरी की रस्म तो अधूरी रह जाती, इसलिए इसे लेने गए थे। रस्म शुरू करें? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। पिया कहाँ है? वो माँ पिया को लेने गई है। अरे निशान जी, इतनी भारी थाली लेकर क्यों खड़े हैं? लाइए, मैं टेबल पर रख देती हूँ। जी लाइए। हाँ हाँ, दे दीजिए। संभल कर। पिया कहाँ रह गए? मैंने बताया ना आपको, माँ लेने गई है पिया को। वेदश्री जी तो यहाँ है, तो फिर पिया को लेने कौन गया है? पिया भाभी आ गई। ने मेरी माँ को मारा ताकि मैं दैविक न रहूं, ताकि मैं तुम्हारे बेटे को बुराई की तरफ जाने से रोक न पाऊं। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे इतने साल दूर रही, जब मिली तो तुमने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैं सर्पिका बनी। तुम्हारे किए की सजा सिर्फ मौत नहीं हो सकती, पहले मैं तुमसे तुम्हारा बेटा छीनूंगी और उसके बाद तुम्हें इतना तड़पाऊंगी कि तुम्हारे पूरे डायन वंश की रूह कांप उठेगी। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें बचाना पड़ा, तुम्हें टसकर, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। मैंने तुम्हें जिंदगी की भीख दी है मोना, ताकि तुम हर रोज मौत की भीख मांगो। बड़ी देर लगा दी आपने समधी जी। चलिए कोई बात नहीं, पगफेरी की रस्म शुरू करते हैं। निशान जी रस्म शुरू करें। निशान जी क्या हुआ, रस्म शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। लगा जैसे शीशे में मैं नहीं हूं, कोई और है। ये संकेत है अंश कि अंधेरा तुम्हें बुला रहा है। अब पिया दैविक नहीं है, इसलिए बुराई तुम्हें खींच रही है।
अगर वो मामूली इंसान होती तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वो सर्पिका है। इससे पहले कि सर्पिका डायन के रास्ते में आए, ये डायन उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल बाहर करेगी। माँ, आप तुम्हें बुलाने आई थी, नीचे रस्म के लिए सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए चल। तेरी माँ करे तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। वापस आ रही है वो। अंश बेटा, निशान जी इंतजार कर रहे हैं, जाने दे उसे। जी फिर खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी वापस आओ। बचा के बहुत बड़ी गलती की है सर्पिका। तू यहां से जा तो रही है, लेकिन मैं तुझे यहां वापस नहीं आने दूंगी। अगर ऐसा है तो आप खुद आएंगी मुझे लेने। सासु मां, जल्दी वापस आना, आपका इंतजार रहेगा।